जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री बाबा महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। तदपि कहे गुरु बारे बारा समुझी परिकचि मति अनुसारा। यद्यपि हमारे गुरु महाराज हर दिन कथा कहते हैं, उसमें हम भी सुनते हैं, लेकिन मेरे मति के अनुसार जैसे मुझे समझ में आया, जितना मेरे बुद्धि में बैठा उसको मैं तस कहो ही ये हरि के प्रेरे, भगवान की प्रेरणा से कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रसंग चल रहा है नवविधा भक्ति का। तो सबसे पहले भक्ति क्या है ये समझना जरूरी है। भक्ति किसको बोला जाता है? जब तक भक्ति क्या है ये नहीं समझेंगे, तब तक हम उस रास्ते में चलने के चल नहीं सकते। जब तक नहीं समझेंगे तब तक अंधे ही बने रहेंगे। तो सबसे प्रथम भक्ति क्या है ये समझना जरूरी है। भक्ति किसको बोला जाता है? भक्ति चीज क्या है ये समझना जरूरी है। तो भक्ति की व्याख्या श्री कपिल देव भगवान तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एव एक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। देवानाम मतलब इंद्रिया, गुणलिंगानाम मतलब ज्ञान करना आने वाली ज्ञानी इंद्रिया। ज्ञानी इंद्रिया पांच है, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये पांच इंद्रिया ज्ञानी इंद्रिया कही जाती है। तो देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मनाम, अनुश्रविक कर्मनाम मतलब कर्म इंद्रिया। तो कर्म इंद्रिया भी पांच है, हाथ, पैर, जिह्वा, उपस्थ और गुदा। तो ये पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, 10 हो गई। और सत्व एव एक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, और मन 11। इनका सत्व, सत्व मतलब भगवान, भगवान में लग जाना ही भक्ति है। अभी भगवान में कैसे लगना? तो बोलते स्वाभाविकी तुया। तो स्वाभाविक ही तो ये, या इसका श्रीधर गोस्वामी कहते हैं अयत्न सिद्धा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, सरलता से उसको ही। कपिल देव भगवान कहते हैं, मत गुण श्रुति मात्रे न मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम बसो अबुदो। मन की भगवान में, केवल भगवान का गुण सुनने से, कथा सुनने से भगवान में अखंड रूप से मन लगना ही भक्ति है। तो इसमें सत्व एव, एव शब्द आया है। एव शब्द मतलब केवल भगवान में ही लगना। इसका जो गोस्वामी अर्थ करते, एव मतलब केवल भगवान में ही लगना, अन्य जगह नहीं। फिर भगवान में भी, फिर बोलते भगवान के अवतार भी अनेक है, फिर एव का और एक अर्थ करते, एक विशिष्ट अवतार में ही लगना। भगवान के अनंत अवतार है, केवल 24 अवतार है ऐसी बात नहीं है। अवतारा ही असंख्या हरे सत्व निधेर दुजा यथा विदाशिन कुल्या सरस सहस्रश।
भगवान के अनंत अवतार है, ऐसा नहीं कि केवल 24 ही अवतार है। तो किसी एक विशेष अवतार जैसे कृष्ण अवतार, उनमें मन लग जाना ही भक्ति है, राम जी में मन लग जाना ही भक्ति है। तो मन भी कैसा लगना कोई मतलब नहीं है। भगवान का कीर्तन कर रहे, श्रवण कर रहे, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहना। कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके बदले में मान सम्मान चाह रहे, संपत्ति चाह रहे, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, उसको भक्ति आभास कहा जाएगा, उसको भक्ति नहीं बोला जाएगा। देवोती माता बोलती है, अहो बत सोपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस्तुस्ते जुहु श्रश्नु आर्या ब्रह्मान उचुरुणाम गृणन्ति एते। आश्चर्य है कि चंडाल भी श्रेष्ठ बन जाता है। कब बनता है? जब जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा के ऊपर आपका नाम सतत रहता है वो चंडाल श्रेष्ठ है। लेकिन कब श्रेष्ठ है? सतत नाम ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कैसा ले रहा है नाम? तुभ्यम, वो आपके लिए नाम ले रहा है। तुभ्यम मतलब आपके लिए, उसकी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपके लिए, आपके प्रत्यर्थ नाम ले रहा है, उसकी कोई कामना नहीं है। तो तुभ्यम का मतलब कोई कामना नहीं उसके मन में। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति रहितु की तोई। भक्त ऐसा निष्काम होता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, लेकिन निष्काम भाव से। चैतन्य महाप्रभु बोलते, न धनम, धन की उसको इच्छा नहीं है, न जन्म, मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। नाम संकीर्तन करता है तो हमको मान मिले, सम्मान मिले, उसके लिए नहीं करता, भगवान के प्रत्यर्थ ही करता है, उसका प्रयोजन भगवान की भक्ति ही होता है। न धनम न जन्म न सुंदरी, न कोई अच्छी स्त्री से मिले, इसके लिए नहीं करता। तो बोलते किस लिए करता है फिर? भवतात भक्ति रहितु की तुई, केवल आपकी भक्ति मिल जाए इसलिए सब ये नाम संकीर्तन करता है, कथा सुनता है, न कि संसारी कामना पूर्ति हो जाए, इसके लिए नहीं। ये तो क्या, भक्त इतना निष्काम हो जाता है, भगवान उसको पांचों प्रकार की मुक्ति देना चाहे तो भी भक्त उसको ग्रहण नहीं करते। सालोक्य श्राष्टि सामिप्य सारूप्येकत्वम अपुदीयमान न गृणन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान ऐसे निष्काम भक्तों के पीछे चारों पांचों प्रकार की मुक्ति लेकर घूमते हैं। सालोक्य भगवान अपना धाम देना चाहते हैं, लेकिन भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। सालोक्य श्राष्टि आपने जैसा ऐश्वर्य देते हैं, लेकिन भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। सालोक्य श्राष्टि सामिप्य अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। सारूप्य अपने जैसा रूप देना चाहते हैं, फिर भी भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। एकत्वम सायुज्य देना चाहते, फिर भी नहीं लेता। लेने की बात तो दूर रही, भक्त उस पांचों प्रकार के मुक्ति की ओर आंख उठा के भी नहीं देखता, लेना तो बहुत दूर की बात रही। भगवान दे रहे लेकिन वो नहीं, भक्त नहीं ले रहा, इतना निष्काम हो जाता है भक्त। यहां तक कि भगवान भी लोभ दे रहे तो भगवान को भी भक्त फटकार देता है, इतना सामर्थ्य आता है उसमें। प्रहलाद जी ने फटकार दिया भगवान को, माम माम प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्तम कामेशु तर वैर संगे तत् माम माम प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्तम
कामेषु तैर्वर तत्संग भीतो मुमुक्षुत्वम उपाश्रित। भगवान को भटकार दिया, कौन से भगवान को? नरसिंह भगवान को। जहां ब्रह्मा जी शिव जी अन्य देवता जाने के लिए डर रहे थे, लक्ष्मी को भेजा, लक्ष्मी भी डर के भाग आई, ऐसे भगवान को प्रहलाद फटकार रहे। 5 साल के हैं लेकिन वो फटकार रहे, प्रभु आप हमको कामना मत सिखाओ। तो ऐसी सामर्थ्य भक्तों में आ जाती है। वो सामर्थ्य किसकी है? भगवान की है। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरत्र शब। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो काम राग विवर्जित जो बल है वो मेरा ही बल है, मेरा ही बल है। तो ऐसा भक्त निष्काम हो जाता है। ये किसका चमत्कार है? भक्ति का। तो ऐसा निष्काम भक्त हो जाता है, भगवान उसको सब कुछ देना चाहते फिर भी नहीं लेता। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, उस भक्त के पास से उस भक्त के पास भटकते रहते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। अपहत सकल एष नाम अमल आत्मन अविरत मेतित भावन उपहुत निज जन वश गत्वत्वम न आत्मनयम सरति छिद्रवत। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, अपहत सकल एष नाम, कोई कामना नहीं। कामना 3 प्रकार की होती है, सुत भीत लोक एषना तीनी। सुत की कामना धारेषणा आ गई, लोक मान सम्मान की कामना, भीत पैसे की कामना, ये 3 प्रकार की कामना है। और ये 3 प्रकार की कामना जिसके हृदय में नहीं है, उसका हृदय अमल आत्मा, शुद्ध हृदय है उसका। ये कामना ही हमारे हृदय को गंदा कर देती है। जिसके हृदय में ये 3 प्रकार की कामना नहीं है, उसका हृदय एकदम साफ हो जाता है। अपहत सकल एष नाम अमल आत्मन। भगवान गीता में भी कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गत व्यत सर्वारंभा परित्यागी यो मत भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, संसारी कामना तो छोड़ दो, 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता भक्त, तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष, वही सूची है, वही पवित्र है। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, वही सूची है, वही पवित्र है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, और वही दक्ष है, वही चतुर है। लेकिन संसार में देखा जाता है कि जो जितना पैसा इकट्ठा करने में चतुर है उसको ही चतुर माना जाता है, लेकिन भगवान के मत से वो चतुर नहीं है, वो तो मूर्ख है। चतुर किसको किसको कहा जाता है? जिसके मन में कोई कामना नहीं है वही चतुर है, वही बुद्धिमान है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गत व्यत, और वो संसार से उदासीन ऊपर उड़ जाता है। संसार से ऊपर उड़ गए, इसका क्या प्रमाण है, क्या पैमाना है? तो बोलते गत व्यत, सुख दुख हानि लाभ इसमें वो समान रहता है, उसको व्यथा पैदा नहीं कर सकते। तो समझ लेना ये माया से पार है। तो अपहत सकल एष नाम अमल आत्मन अविरत मेदित भावन उपहुत निज जन वश गत्वत्वम न आत्मनम सरति छिद्रवत। तो ऐसा जिसका जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध मन में, उस शुद्ध हृदय, वो भगवान का घर बन जाता है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतति संभव वासुदेव एक निलय स वै भागवत उत्तम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध हृदय भगवान का घर बन जाता है। भगवान उस घर में रहते हैं
जिसमें कोई कामना नहीं है, तो ऐसे हृदय में भगवान का वास होता है, भगवान बंद जाते हैं। निज जन वश गत्वत्वम, उस भक्त के हाथ बिक जाते हैं भगवान। निज जन वश गत्वत्वम न आत्मनम सरति छिद्रवत सताम ही, तो ऐसे हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं। वो जैसे नचाने चाहेंगे वैसा भगवान नाचते हैं। तो जब ये कब होता है, जब कामना नहीं होती उसके हृदय में, तो भगवान उसके हृदय में इतना बंद जाते हैं कि निकलते नहीं। तुम निकालना चाहोगे तो भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजहम नित्यम पुयतांग्रे रेणुभि, जो निरपेक्ष है, कोई इच्छा नहीं है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष कब होता है? जब कामना में ठेस पहुंचती है तब द्वेष होता है। निरपेक्ष है तो किससे द्वेष करेगा वो? निर्वैर समदर्श, समदर्शी होता है। तो भगवान बोलते ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। बोले क्यों घूमते हो, आपको कुछ कामना ही क्या? नहीं, बोलते उस भक्त की चरण रज उड़ जाए और मेरे सिर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ, पुयत अंग्रे रेणु भी। तो बोलते आप 4 दिन के लिए चलते हैं का 10 दिन के लिए चलते हैं का 2 दिन के लिए चलते पीछे पीछे? तो बोलते नित्यम, सदा के लिए शाश्वत उसके पीछे पीछे चलता हूँ। उसके पीछे पीछे ही नहीं चलता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यशित अखिलम मलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर विरक्तम अपि माम बिजाहति प्रेशालव अर्थ इतरे नियमानि वहन्ति। भगवान बोलते ऐसे भक्तों, ऐसे निष्काम भक्तों की मैं सेवा करता हूँ। क्यों करते? निष्काम है तो ऐसे भक्तों की मैं सेवा करता हूँ। तो बोले सेवा करने से आपको क्या मिलता है, क्या तनख्वाह मिलती कुछ? तो बोलते हैं चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरणों में जो सारे संसार को पवित्र करने की जो शक्ति मिली है वो किससे मिली है? बोले ऐसे निष्काम भक्तों की सेवा करने से। मेरे चरणों में जो पवित्र करने की सामर्थ्य आई है वो केवल भक्तों के सेवा से आई है। चरण पद्म पवित्र रेणु, और क्या मिलता है? बोले प्रतिलब्ध शीलम, शील गुण की प्राप्ति होती है। अभी शील क्या है, शील किसको बोला जाता है? तो बोलते अद्रो सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह दानम शीलम एतत् प्रशस्तते। शील गुण उसको बोला जाता है अद्रोह सर्वभूतेषु, सर्व प्राणी मात्र में द्रोह भाव नहीं है, न मन से, न कर्म से, न वाणी से। द्रोह की बात छोड़ दो, अनुग्रह उसके ऊपर अनुग्रह ही रहता है उसका। और दान, इसको मिलके शील गुण बनता है। और जिसके पास शील गुण है उसके पास सत्य, धर्म, सदाचार, बल और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे घूमती है। जिसके पास शील गुण है उसको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता शील गुण के लिए, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती है, उसके पीछे पीछे धर्म घूमता है, उसके पीछे पीछे सदाचार, उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो बोलते यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यशित अखिलम मलम प्रतिलब्ध शीलम। बोल क्या मिलता है? तो बोलते न शरीर विरक्तम अपि माम विजहाति, मैं विरक्त हूँ, मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, फिर भी लक्ष्मी मेरे चरणों की सेवा करती है। ये किसका चमत्कार है? भक्तों का सेवा का चमत्कार है। तो बोले कैसी श्री है वो? तो बोले ब्रह्मादेव भवतीतम यत पांग मोक्षम कामास्तम समचरण भगवत प्रपन्ना सा श्री सो वासम अरविंद वनम विहाय
यत पाद सौभाग मलम भजते अनुरक्ता। कैसी श्री, कैसी लक्ष्मी आपकी सेवा करती है? तो बोलते ब्रह्मा आदेव, जिसके लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता तपस्या कर रहे लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं पाई, वैसी लक्ष्मी वैसी श्री अपना सोवासम छोड़ के, सोवासम अरविंद वनम, कहाँ रहती है श्री? बोलती कमल में, उसको छोड़कर भगवान की सेवा करती है। जिसके लिए ब्रह्मा शिव आदि तरस रहे उनको नहीं मिल रही, तपस्या कर रहे नहीं मिल रही, लेकिन भगवान बोलते वैसी श्री हमारे चरण कमल की सेवा कर रही है। तो ऐसी ये किसकी महिमा है? निष्काम भक्तों की सेवा की महिमा है। तो हमको भगवान का नाम, भगवान की कथा कैसी करनी चाहिए? निष्काम भाव से कर रहे, कोई कामना नहीं, संसारी सब कामना तो छोड़ दो, सालों के आदि चारों प्रकार की मुक्तियाँ दे रहे भगवान, लेकिन फिर भी नहीं ग्रहण कर रहे, उल्टा फटकार रहे भगवान को। तो ऐसी भक्ति, इसको ही भक्ति बोला जाता है। तुलसीदास गोस्वामी ने भक्ति की एक ही चौपाई में व्याख्या कर दिया, एक ही चौपाई में, पूरे भक्ति की एक ही चौपाई में व्याख्या कर दिया। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित उसमें ही है कि साहिब की सेवा करे, लेकिन सेवा कैसे करे? करे सकल लोभ भी आ, करे सकल सुख लोभ भी आए। सेवा कर रहे लेकिन कोई कामना नहीं, सुख की भी कामना नहीं है। करे सकल सुख, सुख की भी कामना नहीं उसमें। भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की भक्ति सुख रूपा है, लेकिन भगवान की भक्ति की कामना में भी जो सुख मिलता है उसकी भी भक्त कामना इच्छा नहीं करता। भगवान की भक्ति सुख रूप है, भागवतम में कहा है अत कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। मतलब सुख स्वरूप है भक्ति, लेकिन सेवा के पीछे उस सुख को भी भक्त ग्रहण नहीं करता। मतलब अपनी स्व सुख की भी कामना जिसमें नहीं है, अपनी सुख की भी कामना जिसमें नहीं है, उसको ही भक्ति बोला जाता है। तत् सुख सुखिता, केवल भगवान के सुख के लिए जो काम किया जाता है उसको ही भक्ति बोला जाता है। उसमें स्व सुख भी नहीं रहता, खुद की सुख मिलने के लिए भी नहीं, तत् सुख सुखिता। तो तुलसीदास बोलते सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख, सब सुख, करे सकल सुख, सुख शब्द यूज किया है उन्होंने, करे सकल सुख, सब सुखों को छोड़ देते हैं। भगवान के भक्ति सुख स्वरूप है लेकिन उसमें भी जो सुख मिलता है उसकी भी कामना भक्त नहीं करते। तत् सुख सुखिता, भगवान के लिए। तो करे सकल सुख लोभ भी आई, कोई लोभ नहीं है, केवल भगवान के लिए भक्ति करते हैं, इसको ही भक्ति बोला जाता है। जब ये भक्ति का स्वरूप हम समझेंगे तब उसके ऊपर हम चलने के प्रयास करेंगे। तब श्रवण भक्ति क्या है, कीर्तन भक्ति क्या है, स्मरण भक्ति क्या है, कर रहे कोई कामना लेके कर रहे तो उसको भक्ति नहीं बोला जाएगा, वो भक्ति आभास है। तत् सुख सुखिता ही भक्ति है। इतना ही बोलेंगे। जय श्री राधे।